किड्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है गोरैया और बंदर। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चीड़ा चीड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपनी घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ क्यों बैठे हो? घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, अरे तुमसे चुप नहीं रहा जाता क्या? तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। बंदर चिढ़ गया और क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला, जिसमें चिड़ा और चिड़ी सुख से रहते थे। गोरैया को फिर बहुत दुख हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी की सीख क्या है? यही कि हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है। मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। तो और मजेदार कहानियों के लिए आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।